हाँ करो, चलो चालू करो ये आईडी से। आ जाओ, मैंने मैसेज सेवन किया। पे चालू है। अच्छा हाँ वही 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 आईडी वही है, 7963613643। आ जाइए, 7963। हाँ 7963613643। हेलो, आवाज आ रहा है? आ रहा है, आ रहा है दीपेंद्र भाई आवाज? आ रहा है। ओके ओके ओके। अरे सबका डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? एक्चुअली क्या होता है इसमें 40 मिनट का मेन होता है, 40 मिनट तक ये ऑटोमेटिक चलता है। अगर 40 मिनट के, पार्थ भाई हेलो, हाँ जी हेलो। सूर्य संकल और पार्थ भाई मेरे को आपको अभी ये खत्म हो जाए ना, मैं आपको वापस कल, ये आप सूर्य संकल आप कल बोल रहे थे ना कि जून में हम कंटिन्यू मीटिंग करते हैं 40 मिनट के बाद, हाँ, वो कैसे होता है ना वो सिखाइए। अभी वो तो मेरे को भी मालूम नहीं है, लेकिन उसमें आपका लैपटॉप से करते हैं तो हो सकता है। मैं आपको लैपटॉप कल से ही कर, मैं बोलूंगा। लैपटॉप से यूज करता हूँ, लैपटॉप यूज करता हूँ। हाँ, तो लैपटॉप से अगर आप करते हैं तो उसमें से आपका मीटिंग एक्सटेंड करने का एक ऑप्शन आ देता है, तो हाँ ऑटोमेटिक मीटिंग एक्सटेंड हो जाती है। मैं अच्छा, आपको कल बोल पाऊंगा कैसे होता है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, ऐसा है तो मेरे को सिखाइए, कुछ सीखना भी पड़ेगा ना अभी। हाँ और एक हाँ नहीं इसमें क्या होगा, तो वाह अगर पेड अकाउंट होता है ना, अगर मैंने अभी यहाँ पे सपोज पेड अकाउंट ले लिया है ना, तो हाँ कोई बात नहीं। अभी हाँ सुबह मेरा 2-2.5 घंटे का मीटिंग, हमारा मीटिंग था 3:30 घंटे हाँ पेड का, ढाई अकाउंट से घंटे कोई चला वो तकलीफ पेड नहीं। अकाउंट से चला। हाँ पेड अकाउंट से कोई तकलीफ भी नहीं है। हाँ वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, सीरियस। बस हाँ नितिन भाई चालू कीजिए। हाँ बिल्कुल, कोई तो हम बात कर रहा था, बीच में डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ हाँ नितिन राजेश जी, भाई मेरा बात। क्वेश्चन था राजेश भाई। हाँ बोलो ना। अच्छा मैं ये बोला था कि जैसे आपने बोले 26 जनवरी को आपने इवेंट की थी प्री पीयूसी, 26 को हमने पीपीयूसी की थी। 1 मई को हमने क्या किया फर्स्ट मई था, को। 50% ऑफ रखा था। ओके, उसके टैगिंग सब लिफलेट दिए थे, यानी हमारा 550 अगर चार्ज रहेगा 6 समझो, तो उसमें लेबर था 350 रुपये, तो हमने 250 रुपये में सर्विस किया था। ओके हीरा, आ, आ, अभी देखो, नहीं नहीं थ्री पीस से 1 मई का निकालो दीपिन भाई, एक का उसमें देखो, कौन सा 1 मई, 1 मई का एक्टिविटी। नहीं इसमें नहीं रहेगा शायद। तो नहीं, इसमें नहीं है। राजेश भाई सॉरी, दोनों डेट डेट ऑफ उसमें दोनों है। उस हाँ ठीक है, उसमें कैसे है, अभी हर टाइम पीयूसी नहीं था, एक टाइम दो टाइम हमने 26 जनवरी और 15 अगस्त को पीयूसी का रखा था। अभी हर एक एरिया के ठीक ऊपर डिपेंड है। अभी मेरा आकुटी का वर्कशॉप में प्री पीयूसी नहीं चला, और रावत में कैसा ओके है हाईवे टच है, इसलिए प्री पीयूसी चला है ना। ऐसा नहीं कि हर एक अपना जो अपना शॉप जिधर है, अपना आजू बाजू का एरिया जैसा है, उसके ऊपर एक्टिविटी डिपेंड है। अभी मेरा रावत के इसमें प्री पीयूसी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उधर थोड़ा सा अंदर है शॉप और उधर भाजी मंडी मार्केट एरिया है, ओके उधर ऑलरेडी लोग ये करते ही है, कुछ सब्जी वब्जी उधर कौन सा चलेगा, उधर कोई तो ऑफर चलेगा। नहीं तो हम लोग अगर फ्री कैंप रखते हैं, कोई चेकिंग कैंप रखते हैं, कोई टेस्ट कैंप रखते हैं, तो वैसे एक्टिविटी चलेगी। तो हर एक के ऊपर अपने को एक्टिविटी डिपेंड करना पड़ेगा कि हमारा एरिया कैसा है, हमारा एटमोसफेयर कैसा है, बाकी अपने कस्टमर्स कैसे है। अभी मैंने बताया कि हम लोग अभी के अभी बीच में अगर कोरोना ना होता, तो अभी मई और अप्रैल में हमारा ऐसा प्लान था,
हमने एक 10x10 की कैनोपी खरीदी, ओके, और कैनोपी के फोटो भी मेरे पास रहेंगे अभी मैं तो। उसमें हम लोग क्या करते थे, हर एक सोसाइटी में जाके परमिशन लेते, उसका 1.5 या 2 हजार रुपए चार्जेस होता है सोसाइटी का, दो दिन का एक दिन का। सोसाइटी के अंदर जाके जगह पे एक घंटे में हम लोग क्विक सर्विस देते, उसमें ऑयल चेंज जो भी नॉर्मल काम जगह पे होगा, और ड्राई वॉश हमारे पास है ना, 3M का एक ड्राई वॉश का ऑप्शन है, ओके। ड्राई वॉश क्या होता है, वो जगह पे गाड़ी वॉशिंग हो जाती है, उसमें एक पंप होता है जो हम लोग हैंड से करके उसमें ये होता है, और जगह पूरा गाड़ी ड्राई वॉश का उसमें थोड़ा सा वैक्स और एक मटेरियल है वो ऐड होता है, उसमें क्या जितने भी अगर कीचड़ बिचड़ धूल मिट्टी रहेगी ना, वो 10 मिनट रखने के बाद तो ऐसा ड्राई वॉश का ऑप्शन है। हम जगह पे हो जाके उधर ड्राई वॉश करते हैं, गाड़ी का ऑयल चेंज करते हैं, सर्विस करके जगह पे क्लियर। अगर गाड़ी का बहुत बड़ा काम निकला तो ही हम वर्कशॉप पे लेके जाएंगे। तो उसमें कस्टमर का बेनिफिट क्या है, जगह पे सर्विस मिलती है, सर्विस में ऑफर 350 रुपए चार्ज हम लोग 250 रुपए लेते हैं, ऑयल चेंज का अलग पैसा रहता है, पॉलिश हमारे तरफ से उधर फ्री होता है, वो सब जगह पे मिलने से एक छोटा मोटा एक्टिविटी हम लोग अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। अप्रैल से मेरा स्टार्ट होने वाला था, कैनोपी मैंने खरीद के रखी है। अभी दीपेन भाई को पता है हमारा शॉप थोड़ा सा चेंज हो गया, दीपेन भाई पता है ना आपको, हाँ, उसके वजह से हम लोग जगह पे जाके उधर सर्विस करने वाले थे, ठीक है। लेकिन अभी जैसे लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ऐसे छोटे यानी अपने ऊपर एक्टिविटी हम लोग कहाँ करते है और कैसे, अभी उसमें मेरा खर्चा क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैनोपी का हो गया, 4000 रुपए की कैनोपी हमने परचेस की है, वो एक बार खर्चा हो गया, और बाकी मैकेनिक को तो मेरे को सैलरी देनी ही है, उधर खाली 1.5-2 हजार रुपए मेरे को जो 2 दिन का पे करना है उतना ही। लेकिन अगर मेरा 10 गाड़ी भी उधर हो जाते तो मेरा खर्चा निकल जाएगा, लेकिन मेरे को डेटा मिलेगा, चलो 10 गाड़ी होने दो लेकिन 4-50 लोग पूछने के लिए आएंगे, ड्राई वॉश पॉलिश है छोटी मोटी चीज क्या सर, अपने को ज्यादा खर्चा आता है। अभी ड्राई वॉश को कुछ ज्यादा से ज्यादा 12 रुपए खर्चा है, पॉलिश करते तो 5 रुपए खर्चा है, लेकिन कस्टमर्स को लगता नहीं है, चलो अपने आके है तो अपने उसका भी, मैं हमारे इधर एरिया वैसे इसलिए हम लोग वैसे कुछ ना कुछ करते रहते। एक करते हम लोग जब हमारा फुटफॉल कम होता है तब करते, सैटरडे संडे में कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते, सैटरडे संडे जिस दिन फुटफॉल कम है, जो महीने में अपना बिजनेस ने तो समझो मेरा 300 गाड़ी का टारगेट है हर एक वर्कशॉप पर, अगर इस महीने में कम है तो फिर हम लोग एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। ओके, नितिन जी, कैनोपी का फोटो, कैनोपी का फोटो मिलेगा? मिलेगा मिलेगा, मैं दीपेन भाई को अभी इमेज व्हाट्सएप कर रहा है, दीपक भाई को आप कैसे शेयर करेंगे? ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैं इमीडिएट व्हाट्सएप कर रहा हूं दीपक भाई को। ड्राई वॉशिंग कैसे करते हैं वो, उसके लिए भी कुछ थोड़ी जानकारी चाहिए। नहीं, ड्राई वॉशिंग का क्या है, 3M का ड्राई वॉशर पर के हमारा लिक्विड आता है, उसमें डिग्नेचर और वैक्स ये दोनों रहते हैं समांतर मात्रा में। डिग्नेचर का काम ये होता है कि गाड़ी के ऊपर धूल मिट्टी जो भी कीचड़ है नॉर्मल, ये ड्राई वॉश बारिश के सीजन में काम नहीं आता है, ये ओनली समर सीजन में काम आएगा, क्योंकि उसके ऊपर का जो भी नॉर्मल है वो निकल जाता है, वैक्स का उसमें रहता है कुछ मात्रा में, तो गाड़ी जैसे ड्राई वॉश से हम लोग माइक्रो फाइबर क्लॉथ से पोंछते तो अपने आप उससे चमक आ जाती। ओके ओके, मतलब कचरा सब साफ हो जाता है उससे, कचरा गाड़ी के ऊपर जो रहता है वो पूरा साफ हो जाता है? हाँ, कचरा पूरा साफ हो जाता है, नॉर्मल कीचड़ रहेगा वो भी साफ हो जाता है, 10 मिनट ड्राई वॉश का लिक्विड मारने के बाद 10 मिनट रखना पड़ता है, 10 मिनट रखना पड़ता है। अच्छा, ओके ओके, तो मेरे को ये दीपेन भाई से थोड़ा समझ लेना पड़ेगा कैसे होता है। अरे उसका अगर दीपेन भाई अगर उसका मटेरियल किस से रहेगा तो मुंबई में ही है इनका, मुंबई में भी है, मुंबई में ही आउटलेट है इनका, जो भी आउटलेट मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके ओके नितिन भाई, एक्चुअली हम लोग तो सबको यही बताते हैं कि मटेरियल चाहिए ना, तो नितिन भाई के पास आप कांटेक्ट करके डायरेक्ट मटेरियल प्रोक्योर कर लो, वो बेस्ट है आप, क्योंकि आप ये यूज कर रहे हो ना, तो जैसे बड़ौदा में, हैदराबाद में या मुंबई में किधर भी है, तो आप उनको डायरेक्ट समझा सकते हो, तो ये क्या आइडियल एकदम रास्ता है। आप कैसे करते हो, हम लोग अगर समझो कि हम लोग उसके सोसाइटी में जाके एक्टिविटी कर रहे हैं ना, तो वॉशिंग हम लोग कर नहीं सकते, तो उसके सामने ड्राई वॉश करते हैं ना, वो अलग ही इम्प्रेशन आता है, बहुत अलग इम्प्रेशन आता है। ओके ओके, समझ गया।
ये अपना मटेरियल लगा उसके ऊपर इक्विपमेंट क्या लगता है, वो जो आप कैनोपी बोले वही ना? कैनोपी है, कैनोपी के मैं कैनोपी की फोटो अभी शेयर कर रहा हूँ। कैनोपी के अंदर हम लोग ये करते हैं, कैनोपी 10x10 की कैनोपी होती है, उसके अंदर दो दो गाड़ी बैठ जाती है। ओके, और टूल किट होता है अपना, जो टूल किट होता है ट्रॉली वाला नहीं, जो हम हाथ से वर्क कर सकते हैं वो लेके जाते हैं। यूनिफॉर्म होता है मैकेनिक का, एडवाइजर जगह पे जॉब कार्ड बनाता है, पहले ड्राई वॉश करता है, उसके बाद वो सर्विस करता है। ओके ओके, लास्ट 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 अप्रैल को हमने एक्टिविटी की थी, लेकिन लास्ट अप्रैल को मेरे पास कैनोपी नहीं थी, इस साल हमने पे कर दी। नितिन भाई हैदराबाद से कुशल बोल रहा हूं। As a new franchisee, what activity we can do for our franchisee? Loudly बोलिए सर। सर आवाज नहीं आ रहा सर आपका। Hi. As a new franchisee, क्या activity prefer करेंगे आप, like for more footfall or to gain a customer base or for impression? सर सबसे पहले अगर आपका नया franchisee है ना, तो आप try कीजिए कि आपके area का बाजू का हो सके तो कितना डेटा आप जनरेट कर सकते हैं। डेटा जनरेट करने आपके पास शायद लोग काम करने मत आए, सर्विस मत करवाए, लेकिन आजू बाजू के लोगों के अभी मैं बताता हेलो हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं। हाँ उसमें अभी एक कह सकते हैं आप लोग, अगर एक फेसबुक जो मार्केटिंग करते हैं ना फेसबुक वाले, हाँ। अगर आप उनसे ज्यादा कुछ पैसा, अभी हमारे पुणे में 4-4.5 हज़ार रुपए लेते हैं, लेकिन उनका एक ऐसा है कि अपने एरिया के बाजू में जितने भी लोग रहते उनका वो अपना एक फेसबुक पेज बनाते हैं और वो उन्हीं कस्टमर्स को अपने पास लेके आते हैं वो फेसबुक पेज पे, कि हम लोग अपना पेज उन सबको दिख जाए। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हमने की नहीं है लेकिन मुझे पता है हमको जरूरत पड़ी नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग जरूर करते। तो उस एरिया के जितने भी कस्टमर्स है उनका नाम अपने को मिल जाता है, हम लोग अपना नाम नंबर उसमें शेयर कर सकते हैं फेसबुक पेज पे। वो एक अच्छा आइडिया है, नहीं तो अगर आप खर्चा नहीं करना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एक ही करना पड़ेगा। ऐसे छोटी मोटी जो एक्टिविटी में बात कर रहा कि कस्टमर आपके यहाँ आए, एक तो फिर फ्री पॉलिशिंग कुछ, तो कि ज्यादातर के लोग आपके पास आ जाए, सर्विस नहीं करने करना नहीं कर, मत करने दो, आपका शॉप देखे, आपको बस डेटा मिलना चाहिए। एक बार अगर आपके पास कम से कम 400-500 का डेटा आ गया ना सर, मैं कॉन्फिडेंसली बताता आपके कम से कम उसका 3-4 गाड़ी फुटफॉल चालू हो जाएगा। आपके पास डेटा आना बहुत जरूरी है आपके आजू बाजू के एरिया का। अभी स्टार्टिंग में हमने जब रावत चालू किया था हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं था, तो हमने कुछ नहीं किया, जगह पे बंदा बाहर खड़ा कर दिया था, हर एक कस्टमर को हमको हम इसके लिए चेकिंग के लिए बुलवाते थे, क्योंकि हमको पता है हम लोग डायरेक्ट सर्विस को बुलाएंगे लोग भरोसा नहीं रहेंगे, कस्टमर को कुछ तो देना पड़ेगा, ज्यादा नहीं 10 रुपए टारगेट रखा था मैंने, 10 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं करूंगा। कस्टमर को ऑयल मार के देता था और हमारे 3M का एक स्प्रे आता है वो मार के देता था, लेकिन कस्टमर का नाम नंबर पूरा हिस्ट्री लेते थे हम लोग पहले। अपने को एक ही है सर, जब तक हम लोग डेटा कस्टमर का नहीं रखते आजू बाजू का जहाँ अपना अपना एरिया जाए, तो हम लोग बाकी आप एक्टिविटी करो वो तो अच्छी बात है, बिजनेस जो भी आप। और सेकंड, हमने रेफरेंस पर बहुत ध्यान दिया, रेफरेंस कस्टमर में जित एक कस्टमर ने मेरे पास सर्विस करवाई है सर, किसी भी हालत में हमको एक रेफरेंस दो, अगर आपको मेरा सर्विस अच्छा लगता है 3 दिन में हम लोग ने हम PSF कॉल करते हैं, आज भी हमारा 3 दिन का ये है, और स्टार्टिंग से जैसे आज गाड़ी कस्टमर ने सर्विस कर दी 3 दिन बाद मेरी जो लेडी है हम कस्टमर को कॉल करती और उसको मैंने इंसेंटिव रखा है कि अगर तेरे कस्टमर का एक कस्टमर के बजाय एक रेफरेंस आता है तो उसको हमने रेफरेंस इंसेंटिव रखा है। हमने कस्टमर को बोला अगर आपको हमारा सर्विस अच्छा लगा है, हम हर एक बात PSF कॉल में पूछते, आपको अटेंड किया था क्या, गाड़ी की वॉशिंग ठीक से हुई है क्या, गाड़ी फ्री पॉलिश हुई है क्या, अगर सब कस्टमर अगर अच्छा बोलता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमको एक रेफरेंस दो, खाली एक रेफरेंस। तो ऐसा सब लोग देते नहीं है, मैं ये भी क्लियर करता हूँ, 10 लोगों में से हमको 2 या 3 रेफरेंस मिलते हैं खाली, लेकिन चलो फ्री है उसमें कुछ खर्चा नहीं है अपने को,
ऐसे करते करते okay. करते फिर हमारे पास अभी 2500 का डेटा हो चुका है। तो ऐसे कुछ ना कुछ अपने को करना पड़ेगा। हाँ, फॉलोअप करना है और कन्वर्ट करना है। यस, फॉलोअप हर एक अगर ऑयल चेंज को भी गाड़ी आती है ना तो भी आप तीन दिन में उसको फॉलोअप कीजिए सर कि हमारे पास गाड़ी का ठीक है क्या सर, गाड़ी का जो भी कुछ आपको पूछना है ना दिल से पूछिए उसको, गाड़ी का वॉशिंग हुआ है क्या, सर्विस हुआ है तो ठीक से हुआ है क्या, बंदे ने आपको अच्छा अटेंड किया है क्या। अगर आप खुद भी रहेंगे तो भी पूछो कि सर मैं खुद था लेकिन आपको कुछ आप एडवांस चेंज देना चाहते हो क्या। कस्टमर को थोड़ा फील आ जाता है नहीं यार ये कुछ तो एक कस्टमर के साथ जितना रिलेशन बनाएंगे सर उतना अपने पास रेफरेंस आ जाएगा। ओके ओके, ये नितिन भाई याद है ना जब जिस दिन पहले टाइम हम लोग मिले थे फर्स्ट बिफोर रावत ओपनिंग, पहले वर्कशॉप की ओपनिंग से पहले हम लोग होटल में ये डिस्कशन किया था रेफरेंस वाला, याद है के ये रेफरेंस के रेफरेंस आप और अमोल, जब मैं आप अमोल और वैद्य सब बैठे थे कि इस बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट है रेफरेंस कॉलिंग, और कस्टमर के पास से हम लोग जितना रेफरेंस लेते हैं वही मल्टीप्लीकेशन होता है और वही काम आता है। नहीं वही रेफरेंस अपने बिजनेस में रेफरेंस ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एक कस्टमर अपना हैप्पी हो जाता है ना उसके वजह से अपने को 10 मिलेंगे। देखो अपने बिजनेस में 100% कस्टमर कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा सबको कि अगर जो कस्टमर डिससेटिस्फाइड है उसके ऊपर ओनर ने, अगर मैं नहीं देख रहा आपने कोई मैनेजर रखा है तो ओनर ने उसके ऊपर कंसंट्रेशन करना चाहिए, कस्टमर से खुद बात करनी चाहिए क्योंकि अपना एक डिससैटिस्फाइड कस्टमर अपने 10 कस्टमर खा जाएगा। इसलिए खुद बात करो, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं। उसको अगर अपने जेब से कुछ देना पड़े, अगर उसको प्रॉब्लम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बुलाओ, उसको अटेंड करो, लेकिन डिससैटिस्फाइड कस्टमर रहेगा ना तो उसके ऊपर बहुत फोकस करो। जो सेटिस्फाइड है उस नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन कस्टमर मैंने तो मैनेजर को कपिल का दीपन भाई सब पहचान थे हमारे मैंने टीम को उनको अमल को सबको इंस्ट्रक्शन देके रखी है डिससेटिस्फाइड कस्टमर रहेगा तो उसका डायरेक्ट नंबर मेरे को देना। वो मैडम को मैंने डिलीट बता के ही रखा है लेट फॉलोअप जो करती है उसको, उनको भी जितने भी डिससेटिस्फाइड कस्टमर है उनका लिस्ट मेरे को चाहिए चाहिए। उनके आउटलेट के ऊपर ये लगा हुआ है, एक चीज लगा हुआ है जो देखने जैसा है। मेरा नंबर मेरा डाला हुआ है यहाँ पे, इफ यू कैन इन केस यू नॉट हैप्पी प्लीज कॉल मी। थी दूसरा नितिन भाई। हाँ भाई, मैं हमारा जो मीटिंग था मैंने आपको वो मेल तो किया हुआ है लिंक वीडियो वगैरह। दिवेन भाई मैंने आपको व्हाट्सएप किया कैनोपी की फोटो, अगर पॉसिबल है तो आप मैं कर देता हूँ फोन से कर देता हूँ। तो मैं क्या बता रहा था कि आपने एमसी आपने एएमसी बनाया था एएमसी बेचने के लिए, कितनी एएमसी आपसे आपने बेची थी? नहीं एएमसी में मैं अभी सही बात करता हूँ, एएमसी में हम लोग थोड़ा कम गिरे दिपिन भाई, पता नहीं शायद हमारा मार्केटिंग का फंडा गलत हो गया क्योंकि हमारे इसमें भी दो थे। मेरा कहना था एएमसी पेट में बेचना है और अपने रमाकांत जी का कहना था कि एएमसी फ्री में बेचना है, ठीक है उसमें हम लोग थोड़ा कम गिरे। जो भी कुछ रियल फैक्ट बताने में मेरे को शर्म नहीं है, ज्यादा हम लोग एम से बेच नहीं पाए तो उसके ऊपर वर्कआउट चालू है अभी। फिर भी एक साल भर में 20-25 गई, लेकिन मेरा टारगेट तो महीने का 20-25 यानी आउटलेट। तो मैं आपका एक्सपीरियंस है ऐसा, मैं कैलकुलेशन यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले सकता हूँ कि आउटलेट से हम एमसी नहीं बेच सकते। नहीं आउटलेट में हम लोग कम गिर गए जरा, थोड़ा एम से बेचने में कम गिर गए हम लोग थोड़ा। बोलो किसी और को कोई क्वेश्चन? नितिन भाई दो लोग और जुड़े हैं, आपको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। एक तो सुनील जी है बड़ौदा से जो अभी सेकंड मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं। अरे उनके ओपनिंग में गया था मैं, उनके ओपनिंग में
और एक एक राज भाई, एक राज भाई है। सुनील भाई कैसा है? बस बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। बस हम तो आपने देखा था कि वो पीयूसी वर्कशॉप करने की सोच रहे थे, ये कपिल अंबानी जी ने लॉकडाउन करा दिया। अरे यार क्या बोलूं। अरे क्या बोले, अभी कुछ मत बोलो अभी तो। अरे नहीं, मैं आपको बताऊं, आपको एक बताऊं लॉकडाउन के बारे में, थोड़ा बहुत बताऊं। हम सोचते हैं लॉकडाउन, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट देखते हैं ना, तो आज टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा बराबर, और ये अपना मारुति सुजुकी, ये सारे स्टॉक है ना, वो टॉप गेनर्स में है, समझ रहे? यानी लॉकडाउन का इंडिया में है ना, जैसे आप चाइना में जीडीपी का जो रेशियो और इंडिया का रेशियो है, आपको चाहिए तो मेरे पास आया है व्हाट्सएप में, मैंने देखा, मैंने बोला इंडिया तो बहुत सेफ है। आप शेयर नहीं, इंडिया सच में भी सेफ है। हाँ, बहुत सेफ। मोदी गवर्नमेंट को सच में तारीफ की बात है, अगर हमारे 1,30,00,000 पब्लिक है, उसमें इंडिया के जो नंबर से सच में तारीफ की बात है, बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। डिपेंड भाई, आपके पास इकोनॉमी का कोई डेटा आता है तो शेयर करो ना कम से कम। मतलब दीपेन भाई, मैं तो कहता हूँ ये स्पीड फोर्स फ्रेंचाइजी तो चलो दे रही है, मैं कहता हूँ कि ये जो शेयर मार्केट में पैसे कैसे लगाने हैं वो भी स्टार्ट करो ना। सर मैं आपको बताऊँ कि मैं इसलिए, अब मैंने आपको पहले भी, हमारा एक दो चार दिन पहले लास्ट वीक में भी बात हुआ था कि हमको बीएससी या एनएससी में हमें लिस्टेड करवाना है स्पीड फोर्स को, इसलिए अभी से देखना पड़ेगा, तभी तो 2 साल लगेंगे ना हमको। मैं आपको बताऊँ की मैं डेली सुबह दोपहर का मीटिंग हुआ ना, मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, समझ रहे, वरना डेली सुबह में 2-2.5 घंटा मेरा उसी में चला जाता है। चलो अच्छी बात है, ये इंटरेस्टेड का सब्जेक्ट है, थोड़े पैसे मिलते थे, थोड़ा बहुत मिलते हैं, थोड़े नहीं भी मिलते, लेकिन इंटरेस्ट है तो इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, आप मतलब सबसे बढ़िया प्लेस में टाइम पास हो जाता है, आप मेरे गुरु बन जाओ, बस अब मुझे सिखाओ ये क्या करना है, मतलब मुझे कुछ नहीं पता। अंबानी जी के पास थोड़ा टाइम कम है, इसीलिए अंबानी जी को सर हम रोज एक्चुअली सर ऐसा है, सर मेरा ऐसा है, मैं रेगुलर मिलते हैं सर, मैं स्पीड फोर्स के अलावा कोई और ध्यान नहीं देता, मेरे को कुछ आता नहीं और कुछ स्पीड फोर्स के सिवाय, अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रोए रहो, मेरे को तो आता कुछ नहीं है, स्पीड फोर्स ही आता है अभी तो 8-7 साल से तो वही है सर। नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, हमारे साथ नितिन भाई, राज भाई भी जुड़े, एक्चुअली उनका मैसेज आया है सबको के, एक वो हैदराबाद से है राज भाई, हमारे जो साउथ के बिजनेस एसोसिएट है, तो सब हर कोई को, सब लोग को इंट्रोड्यूस करा दे, एक्चुअली उनका सिग्नल बहुत वीक हो रहा है, कहीं इंटीरियर में है वो, तो राज भाई जो है हमारे साथ, वो साउथ इंडिया बिजनेस पूरा हमारा हैंडल करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, आप शायद जानते हैं ना नितिन भाई, उनको नितिन भाई को मिले थे ना, नितिन भाई वो विक्रम और राज भाई, हाँ राज भाई एक बार बड़ौदा आ जाओ आप, तो ये सारे लोग बाकी के लोगों को मिल लेंगे, एक बार बॉम्बे चले जाओ तो पार्थ भाई को मिल लेंगे आप। और किसी को कुछ क्वेश्चन या कुछ तो भी कुछ, मतलब कुछ पूछना है राजेश भाई, पार्थ भाई, नितिन भाई आपको कुछ और कुछ शेयर करना है? नितिन भाई मैं अभी जितना कर दिया अभी देखेंगे सब साथ में, एक बार जब लॉकडाउन खत्म होने दो, अभी क्या क्या आगे होते हैं वो करेंगे एक बार वापस। सुनील सर आपको याद होगा हमने बात किया था जब आपके यहाँ 14 तारीख को हम मिले थे यहाँ पे बड़ौदा में, तो हमने प्लान बनाया था कि हम अप्रैल में सबको वहाँ पे पुणे में आएंगे, लेकिन वो अप्रैल तो यहाँ घर पे रह गए, ऐसा हुआ। नहीं, अभी हम फ्रेंचाइजी मीट का प्लान कर रहे हैं ये क्वार्टर एंड में, थोड़ा ये सब ईज ऑफ हो जाए, थोड़ा 2-3 महीने हमारे जो भी पेंडिंग नहीं, थोड़ा खत्म होने दो कपिल भाई, वही जैसे ये खत्म हो जाएगा ना तो बहुत टूट पड़ेंगे बिजनेस के ऊपर सब, थोड़ा लाइन लगने दो फिर प्लान करेंगे। तो अपने सब लोग फ्रेंचाइजी मीट, और इस बार सबको आना है, और ये केवल फ्रेंचाइजी मीट अलग करेंगे, फ्रेंचाइजी की टीम की मीटिंग हम लोग अलग करने का प्लान करें, और ये बड़ौदा के बाहर करेंगे। इंटरनेशनल तो बोलना ही मत आप, इंटरनेशनल की वजह से तो हम घर पे है। व्हाट्सएप में डेली वो जो कमीशन आया गोवा का, दूसरा लोनावाला, राज भाई
राज भाई बैठ के वो लिख रहे हैं गोवा गोवा लेके चलो, उनको गोवा डे वन से जाना है, वो गोवा फ्रेंचाइजी ढूंढ रहे, मिल नहीं रही है हमको। अगर गोवा की फ्रेंचाइजी हो जाए तो हम वहाँ का ओपनिंग डेट के ऊपर आसपास हम सबको ऐसा करते हैं, हम इकट्ठा हो जाएंगे गोवा में। राज भाई नहीं, गोवा करवाओ, गोवा लेट करेंगे, क्लोज करवाओ आप। नहीं नहीं, कपिल भाई दीपेन भाई थोड़ा लेट करो प्लान, गोवा का करेंगे लॉकडाउन के बाद। चलो ओके, तो सम अप करते हैं। चलो राजेश भाई, ख्याल रखना, बाय बाय राज भाई, एवरीबॉडी, बाय बाय, चल बाय 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 बाय।